डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ करेला थोड़े डिफरेंट स्टाइल से। तो उसके लिए मैंने ये करेले ले लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और इनको मैं दोनों साइड से कट कर लूँगी किनारियों से और फिर इसको ऐसे गोल गोल पीसेस में हम कट कर लेंगे। और फिर मैं गैस पर पैन रख लूँगी और पैन में मैं ऑयल डाल दूँगी। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मैंने सरसों का ऑयल लिया है क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और उसको हम गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद उसमें मैं जो करेले मैंने डाले हैं, और हाँ एक चीज़ और, ये मैंने करेले के ना बीज निकाल लिए हैं, तो इसको आप भी ऐसे ही करना। तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी ताकि ये थोड़े से फ्राई हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा तेल लिया है नॉर्मल सब्ज़ी बनाने के कंपेयरिंग में। तो इस तरीके से लेके हम इसको थोड़ा फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से हमें इसको ढकना है हल्का सा स्पेस छोड़कर। और उसके बाद मैंने ये जो करेला है इसके बीज लिए थे और उसको पीस लिया है, और अब ये करेले में मैंने ऐड कर दिया है इसको, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर फ्राई होने देंगे। और अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। नमक में हम फ्राई करेंगे इसको, जो हमने तेल डाला था उसी तेल में ही, हमें और तेल नहीं डालना। और हम इसमें इस तरीके से फ्राई करेंगे ना तो इसका कड़वापन निकल जाएगा और ये बहुत टेस्टी बनेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। और मैं अभी इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अभी करेले अच्छे से नमक में भुन चुके हैं, तो उसके बाद मैं अब इसमें प्याज डालूंगी। और प्याज मैंने ली है, दो प्याज ली है ये, और उनको थोड़ा मोटे मोटे स्लाइसेस ही किए, ज़्यादा नहीं पतले नहीं किए, तो उतने मैंने डाल दिए हैं। और अब मैं इसको भी मिक्स कर दूंगी अच्छे से ताकि ये भी थोड़ा सा भुन जाए। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको दो तीन मिनट के लिए और ढक के छोड़ दूँगी। अब उसके बाद दो तीन मिनट हो चुके हैं, उसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और इसमें नमक हमने डाल दिया था थोड़ा पहले। और अगर आपको टेस्ट में कम लगे तो आप और डाल लीजिएगा, वरना उतना ही इनफ है। और अब उसके बाद मैं इसमें एक छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर डाल दूँगी और एक बड़ा चम्मच डाल दूँगी मैं अमचूर पाउडर। और अब उसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से मसाले को सारे। अब ये करेले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं मसाले के साथ, तो अब इसको हमें 5 मिनट के लिए ढककर स्लो गैस पर हमें इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद आप इसको ढक्कन हटाकर इसको मिक्स कर दीजिएगा। और मिक्स करने के बाद फिर से आप इसको 2-3 मिनट के लिए ढककर छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद देखिए, ये दोबारा मैं चेक कर रही हूँ तो ये रेडी हो चुका है, और मैं इसको फिर से मिक्स कर रही हूँ एक बार। और अब ये हमारी करेले की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, तो आइए मैं अब इसको आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। तो अब ये रेडी हो चुकी है सब्ज़ी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बाकी वीडियोज़ को भी जाकर वॉच कीजिए। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी, और अगर आपको कोई न्यू रेसिपी चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं ज़रूर आपको बनाकर उसको दिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।